हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीके का स्टैंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सही होंगे। तो गाइस, मेरे सामने आज नेक्सॉन XM और भाई ये है आपकी मैनुअल। और भाई इसका मैं सबसे पहले आपको वॉल पेपर दिखा दूँ सबसे पहले, तब फिर जाकर मैं दूसरा मतलब इसका ब्लैंक लाइन के बारे में बताऊँगा। इसके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वॉल पेपर इसका। इसमें आपको अलॉय व्हील तो नहीं मिलते, इसमें आपका बेस मॉडल मान लीजिए इसको, क्योंकि बेस मॉडल का इसमें सब कुछ दे रखा है जैसा बेस मॉडल में आता है, जैसे कि ब्लैक हुआ, व्हील कवर हुए जैसे कि। और भाई स्पोर्टी भाई लगती बढ़िया है भाई ये गाड़ी। एंड जो इस गाड़ी का प्रोफाइल है ना, आगे से जो लुक उसका होता है एंड जो पीछे का जो बैक साइड का जो लुक है, वही इसका साइड का जो लुक भाई बहुत बढ़िया लगता है। स्पोर्टी ज़्यादा लुक भाई तो है ही इसका, स्पोर्टी चाहे आगे से देख लो चाहे पीछे से देख लो, बहुत बढ़िया लगता है। और वैसे ही भाई टाटा नेक्सॉन ना बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आ रही है, बहुत बढ़िया लगता है भाई प्रोफाइल तो इसका भाई। स्पोर्टी पूरा स्पोर्टी लुक बनाया गया है इसका, आगे से देखो भाई कितना स्पोर्टी लग रहा है ना, ये स्पोर्टी भाई बहुत मस्त लगता है। और सबसे पहले इसके आगे की बात करूँ तो आगे का लुक देख सकते हो भाई कुछ ऐसा है, और भाई बहुत प्यारा सा लगता है भाई आगे का लुक। सबसे पहले की बात करूँ इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं आपको एक हैलोजन बल्ब के साथ, यहाँ आपको DRL मिल जाते हैं, नीचे आपको फॉग लाइट कोई दी नहीं है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है ये। और आप देख सकते हो पूरा पियानो ब्लैक पियानो का फिनिशिंग है, यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, तो बहुत बढ़िया लगता है ये। नीचे आपको नंबर प्लेट मिल जाती है लगी हुई, नीचे प्लेट आपको आराम से लगा सकते हो, बहुत बढ़िया लगता है भाई ये लुक। और साइड की बात करूँ साइड में देख सकते हो आप, साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं वॉल्यूम पर, और हेलो व्हील तो आपको इसमें मिलते नहीं है। तो भाई इसका कितना इंचेस है भाई, 16 इंचेस आपको टायर मिल जाता है व्हील कवर के साथ। और साइड में आप देख सकते हो प्लेट सी लगी हुई, ब्लैक ब्लैक प्लेट सी भाई, थोड़ा अट्रैक्ट तो नहीं करते भाई, भाई थोड़ा सा अलग से लगती है। डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं, रूफ रेल्स। अब चलते हैं इसके अंदर, तो भाई ये है नेक्सॉन का इंटीरियर। तो ये है भाई नेक्सॉन का इंटीरियर भाई, बहुत बढ़िया लगता है भाई नेक्सॉन का इंटीरियर भाई, बहुत बढ़िया लगता है। देखो भाई ब्लैक पियानो की फिनिशिंग वैसे, लेकिन यहाँ पर कोई कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते हैं, बीच में आपको हॉर्न हो गया महिंद्रा सॉरी टाटा का लोगो हो गया भाई, बहुत बढ़िया लगता है, प्यारा सा लगता है। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन कोई वगैरह नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं जो कि आपको सिल्वर में है थोड़ा सा, ये यहाँ पर भी आपको सिल्वर थोड़ा मिल जाता है, ये आपका बहुत बढ़िया लगता है भाई ये डैशबोर्ड। तो ये आपका क्लस्टर हो गया, यहाँ से आप टैकोमीटर मतलब सेट कर सकते हैं, यहाँ आपको लाइट के कंट्रोल्स, यहाँ आपको वाईफाई के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको AC वेंट्स, ओवरव्यू कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो आप, 4 पावर कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं आपको, 6 स्पीड मैनुअल गियर सिस्टम, AC थोड़े बहुत यहाँ पर सिस्टम मिल जाते हैं आपको कंट्रोल, यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं, इको सिटी और स्पोर्ट मोड, आपको हैंड ब्रेक, थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाता है, एक कप होल्डर यहाँ मिल जाता है स्पेस, 12 वाट का सॉकेट, USB और ऑक्स का। ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो भाई ग्लव बॉक्स तो भाई बहुत बड़ा मिलता है, ये देखो भाई बहुत अंदर तक जाता है कूल भाई, बहुत बढ़िया। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4। सन वाइजर की बात करूँ कोई मिरर वगैरह नहीं है, इस साइड आपको मिरर मिल जाता है, एक लाइट यहाँ पर मिल जाती है, सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है इसमें, ये थोड़ा सा स्पेस ऐसे मिल जाता है, यहाँ आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, इस साइड आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। आप चलते हैं इसके पीछे साइड बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको बोतल वोटल मिल जाती है, ज़्यादा मजा से रख सकते हो। अब आते हैं इसके पीछे, और पीछे का देखते हैं भाई स्पेस, पीछे भी आपको स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है, एक ट्यूटर यहाँ पर मिल जाता है, एक ट्यूटर यहाँ मिल जाता है, एक स्पीकर ये, और आपके स्पीकर 4 स्पीकर इसमें मिल जाते हैं, 2 आपको ईयरबैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड, ड्राइव हैंडल आपको दोनों यहाँ मिल जाते हैं, AC वेंट्स आपको पीछे नहीं मिलता है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाता है, बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपको आमरस वगैरह नहीं मिलता है, आगे भी आपको आमरस नहीं मिलता है, ये आपको बहुत बढ़िया लगती है, ये देखो ये फिनिशिंग भाई बहुत बढ़िया है। तो स्पेस तो भाई बहुत बढ़िया है, ये देखो स्पेस तो मामले तो बहुत बढ़िया है। चलते हैं बूट स्पेस को देखते हैं भाई कितना है, तो भाई यहाँ से नहीं खुलती है, अंदर से खुलती है, वहीं से हमें खोलनी पड़ती है। तो इसमें आपको 350 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा बूट स्पेस है। यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है थोड़ा बहुत, यहाँ पर टांगने के लिए मिल जाता है, इस साइड भी आपको
सामान टांगने के लिए आराम से मिल जाता है। तो नीचे आपको एक टायर मिल जाता है ये रहा, क्योंकि आराम से 3-4 बैग आराम से रख सकते हो, बड़े बड़े भी छोटे से भी आप रख सकते हो। पीछे की मैंने ये नहीं दिखाया था कि लाइट वाइट में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, आप पीछे आपको टेल लाइट मिल जाती है आपको, ये बहुत बढ़िया लगती है। ये आपका इंडिकेटर हो गया, ये आपका रिवर्स लाइट होगी। दो सेंसर मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, ये आपको एक लाइट मिल जाती है यहाँ से भी। नेक्स्ट वन का ब्रांडिंग लिखा हुआ मिल जाता है, टाटा का लोगो मिल जाता है। तो ये है भाई टाटा नेक्सॉन। और भाई कैसी लगी टाटा नेक्सॉन भाई कमेंट्स में जरूर बताना। ये आपकी XM वेरिएंट से भाई कमेंट्स में जरूर बताना। जय हिंद।